अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है, और इसमें करना क्या है, आपको मंथली बेसिस पर अपने पास 2500 रुपये सेव करने हैं। ओके, आप मंथली बेसिस पर अपने पास 2500 रुपये सेव करेंगे तो आपके पास साल के बनेंगे 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये की आप एक पॉलिसी लेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, और 30,000 रुपये आप हर साल अदा करेंगे। ओके, प्रीमियम के तौर पे आप पे करेंगे, तो आपको इसका जो रिटर्न मिलेगा 20 साल में वो मिलेगा तकरीबन 25 लाख रुपये। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी और बेहतरीन जो है इन्वेस्टमेंट है, और एक अच्छी चीज़ है सेविंग के लिए कि आप जो है साइट में एक अमाउंट जो है मंथली बेसिस पर 2500 रुपये। इसके अलावा क्या चीज़ें, इसके अलावा दुराने पॉलिसी खुदा ना खासा डेथ हो जाती है जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई है। ओके, तो फैमिली को भी सपोर्ट किया जाता है। अब अगर कोई नेचुरल डेथ होती है यानी तबी इंतकाल हो जाता है पॉलिसी के दौरान, आपने एक पेमेंट अदा करी और खुदा ना खासा किसी भी शख्स ने एक पेमेंट अदा करी, खुदा ना खासा इंतकाल हो गया, उसका डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को 5 लाख रुपये एट द टाइम मिल जाएंगे। ओके, और अगर एक्सीडेंटली सूरत में कोई डेथ हुई है तो उस सूरत में 10 लाख रुपये मिलते हैं इस पॉलिसी में। ओके, 10 साल बाद अगर होगी, 15 साल बाद होती है, कभी भी होती है, तो 5 से 10 लाख रुपये मिलते हैं, ये डेथ क्लेम होता है। ओके, और अगर पॉलिसी पूरी 20 साल की मैच्योर हो जाती है तो उस सूरत में जो आपको अमाउंट बताई गई है 25 लाख रुपये, वो अमाउंट मिलती है। लेकिन पॉलिसी करवाने का मकसद हर किसी ये नहीं होता कि डेथ होने भी काम है या इस तरह कोई काम है। इसका पॉलिसी करवाने का मकसद ये होना चाहिए कि आप एक कोई अमाउंट जो है छोटी सी छोटी अमाउंट जो है कहीं ना कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आप उसको सेव करना चाह रहे हैं फॉर फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये सोच के पॉलिसी करवाना चाहिए। और मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया कि आप मंथली अगर आपके पास, या अगर आपका कोई बिजनेस है, जॉब करते हैं, आप मंथली अपने पास तकरीबन NIC की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। थर्ड, आपके पास पेमेंट होनी चाहिए। फोर्थ, आप जब ऑफिस आएंगे तो फॉर्म पूरा फिल किया जाएगा जिस पर आपके थंब वगैरह लिए जाएंगे, सिग्नेचर वगैरह करवाया जाएगा, और जो पेमेंट आप लाए होंगे वो स्टेट लाइफ के जोन में आपके साथ जाके पेमेंट जमा करवाएंगे और आपको हाथ के हाथ उसकी रिसिप्ट भी दे देंगे। ओके, तो ये एक सिंपल से स्टेप्स हैं, और जितनी जल्दी हो सके आप इसको लें। ज़्यादा सोचें मत कि मैं नेक्स्ट मंथ में लूँगा या फिर नेक्स्ट ईयर में प्लान करूँगा, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप इसको प्लान कर लें। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।